आज हम लोग आए एक बाथरूम में काम करने, और इसका बाथरूम में जो टाइल्स लग रहा है जिस कंपनी का, उस कंपनी का पूरा रिव्यू और पूरा जो भी जानकारी होगा हमसे संभव वो आप लोगों को पहुंचाएंगे और बताएंगे कि इस टाइल्स में क्या है। ये टाइल्स कंपनी का नाम है ओरिएंट बेल। इस टाइल्स कंपनी में जो भी फॉल्ट आता है ना के बराबर आता है। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है आजकल। ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही है, मतलब अभी ये छठे नंबर पे इंडिया पे है, लेकिन अच्छी क्वालिटी बनाती है, अच्छा शाइनिंग रहता है इसका। तो आज आप लोगों को इस टाइल्स का पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे पूरा वीडियो में, और भी जानकारी जो भी दीवार हो, टाइल्स हो, जिससे भी संबंधित हो वो जानकारी आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। ये जो टाइल्स देख रहे हैं लेवल हो रहा है पहले, और लेवल होने के बाद अब इसको सीमेंट चटनी, जिसको बोलते हैं चटनी बोलें, घोला बोलें, जो भी आप अपनी लोकल भाषा में बोल सकते हैं, इससे पहले इस टाइल्स को ऊपर चिपकाया जाता है, पूरा लगाया जाता है अच्छे तरीके से, ताकि इतना ही मसाला लिया जाता है कि ताकि मेरा पीस बढ़िया से सेट हो जाए। ना एक्स्ट्रा लिया जाता है ना ही कम। कम लेंगे तो बढ़िया से बैठेगा नहीं, एक्स्ट्रा लेंगे तो मेरा चिपकेगा नहीं। और इसको लेवल में करके और स्क्वायर में करके देख लेंगे। उसके बाद ये चार पीस हम लोग सेट करते हैं। चार पीस सेट हो जाने के बाद मेरा जो भी टाइल्स है पूरा घूम जाता है, जितना भी दीवार। तो ये टाइल्स है ब्लू कलर का, आप लोग दिख रहा है, ये काफ़ी अमेजिंग टाइल्स है, बहुत ही हमको अच्छा लगा, और जो भी पार्टी लगवा रहा है उसे बहुत ही पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे लगाते लगाते तो मेरा जो भी टाइल्स में लाइनिंग है, लाइनिंग पे अगर सीमेंट चिपक जाएगा तो बाद में छुड़ाने में बहुत ही परेशानी आती है। तो इसे तुरंत ही छुड़ा लें, और साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए काम करवाना चाहिए। और ये ख्याल मिस्त्री जो भी होता है मेसन वाले, उनको खुद करना चाहिए, क्योंकि जो जो न्यू लगवाते उन्हें तो पता नहीं, जो लगवा चुके उन्हें तो पता है। तो अगर आप एक बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं तो आपको 8x4 का अगर आपका बाथरूम है तो उसमें समथिंग 15 से 16 हज़ार रुपये में आपका बाथरूम में 7 फीट टाइल्स अच्छी तरीके से लग जाएगी। और ये देख रहे हैं मेरा जो टाइल्स का काम है लगभग लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत काम बच रहा है। और पूरा दिन हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, फिर भी हम लोग को बेरोजगारी के कारण ये काम करना पड़ा है। आज हम लोग ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, फिर भी हम लोग को ये काम कर रहे हैं, सोचिए। तो कुछ करते रहें, यंग इंडिया और अलर्ट इंडिया, जो भी अपनी भाषा में कहें, आत्मनिर्भर भारत, वही हम लोग हो चुके हैं। तो इसमें टेंशन नहीं, अगर जो काम नहीं जानते हैं कोई काम, इस काम को आप 6 से 7 एक साल में आप इस काम को सीख सकते हैं। और ये देखिए पूरा लेवल में मिल गया है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्लावर का जो लुक है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसे भरा जाता है, ताकि पीस का जो भी है, और इसमें एक सबसे बड़ी कमी आप लोग को बताएं, इसमें कमी सबसे बड़ी क्या है, जो जो भी हो जिसका भी मकान है, जहाँ भी बाथरूम में यूज हो रहा है, इसने पेंट करवा दिया था। अगर ये पेंट वाइट सीमेंट से नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था कि इसको पूरा छुड़ाना पड़ता। वाइट सीमेंट की वजह से सीमेंट है जो सीमेंट को अटैच करके केमिकल के वजह से पकड़ बना ले रहा है, इसे पूरा खोदना पड़ा है। अगर पेंट हुआ रहेगा तो दीवार गीला नहीं होगा, जिस वजह से हमारा टाइल्स परफेक्ट नहीं बैठेगा। अगर इसकी जानकारी आप लोगों को बता दें कि अब जब भी टाइल्स लगवाएं तो पहले तो उस पर निशान मरा दें प्लास्टरा पे, या फिर उसको अच्छे तरीके से ऐसा रखें कि पटा दें, पानी उस पर डालें पूरे दीवार पे, तभी काम करवाएं, नहीं तो पकड़ नहीं बनाता, बाद में छोड़ने का चांसेज रहता है। देखिए पूरे अच्छे तरीके से भरा जाता है टाइल्स लगाने के बाद भी जो भी खाली एरिया होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।